बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत साहब भी हैं, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी उनके साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन इस मकसद से हमने लिया है कि यहाँ पे ये कोपरी से अरंजा कॉर्नर तक का एक फ्लावर ब्रिज बना रहे हैं। ये फ्लावर ब्रिज बनाने का इनका मकसद गलत मकसद है, क्योंकि ये जो रोड है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में गाड़ी से सिर्फ 3 मिनट लगते हैं और सिग्नल के 3 मिनट लगते हैं। 6 मिनट का ये रास्ता है, तो 3 मिनट के सिग्नल के लिए ये लोग 300 करोड़ रुपया वेस्टेज डाल रहे हैं, प्लस उससे भी बेहतर ये 300 पेड़ तोड़ रहे हैं। इसके लिए हमने आज चिपको आंदोलन किया है। इन्होंने बार बार इस 2 साल में कोरोना कालखंड में हमारे नेते, हमारे आमदार, दोनों आमदार जमीन पे उतर पे काम कर रहे थे, और ये लोग रोड बनाने का मैप बना रहे थे, फ्लावर ब्रिज का मैप बना रहे थे। तो ये इनकी एक मकसद है कि यहाँ से लूट किया जाए, यहाँ से लूट ले जाए, तो ये मकसद हम उनको पूरा होने देने नहीं देंगे नहीं। इन्होंने हमारा पानी भी चोरी किया, इन्होंने हमारे जमीन चोरी की, सड़कों के माध्यम से ये जमीन महानगर पालिका को जो वर्ग होने वाली थी, ट्रांसफर होने वाली थी, उसके टेंडर निकाल के ये जमीन भी उन्होंने चोरी की है। तो इसका इनका मकसद एकदम बुरा मकसद है। इन लोग को नीबम की नागरिकों कुछ पड़ी नहीं है, और उसी लिए हमने आज का आंदोलन किया है। नहीं भाई, के नागरिकों की कुछ पड़ी नहीं है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।